कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल 2640। तो आज आप बात करने वाले हैं, हम आप थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि आप टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे क्या होता है और पूरा होता टिप केयर सब चीज मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे तक पहुंचती रहे, मतलब आप तक पहुंचती रहे मेरे वीडियो की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोमेरियन डॉग रूसी फीमेल डॉग, ये अभी प्रेग्नेंट है, इसको 55 डेज हो रहा है। बस 5-6 दिन में बच्चा देने वाली है, या हो सके तो आजकल में ही बच्चा दे दे। वैसे तो 62 डेज में देती हैं फीमेल डॉग्स बच्चा, क्योंकि वो बड़ी ब्रीड के लिए 62 डेज होता है, ये तो स्मॉल ब्रीड है। हो सके तो 55-56 डेज में दे दे या 62, कोई दिक्कत नहीं है कितने भी में दे दे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ब्रूसी, सबको हाय कर दो, यूट्यूब फैमिली को। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या लक्षण है प्रेग्नेंट डॉग के। पहली बात तो जब आप मीटिंग कराएंगे, मीटिंग कराने से पहले आप अपने डॉग का डिवॉर्मिंग कराएंगे। अगर डिवॉर्मिंग कराया तो बहुत ही अच्छी बात है। और फर्स्ट मीटिंग कराने के बाद मतलब 10-15 दिन या हाँ 10-12 दिन लगभग जो इनका वाइट डिस्चार्ज करती हैं, मतलब वाइट ब्लड टाइप का कुछ आएगा, वो ब्लड नहीं आता, वाइट सेल जाता है। तो फिर और उसके बाद हेयर जो है इनका, यहाँ से आप छुएंगे यहाँ पे शाइनिंग आने लगेगी, हल्की हल्की शाइनिंग आएगी और बहुत ही सिल्की हो जाएगा इनका हेयर। और फिर 20-25 दिन में पहले आप इनका क्या कहते हैं वजन देख लें कितना है। मीटिंग कराने के एक दो दिन पहले वजन देख लें कितना इनका वजन है। और आप इनका वजन 30 डेज बाद प्रेगनेंसी में 30 डेज में इसका चेक करें वजन, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ फर्क आएगा। और इनका वेट का है इसको आप टेप से देख लें कितना है और 20-25 दिन बाद भी देख लें कितना है, फर्क मालूम चल जाएगा। अगर प्रेग्नेंट होगी तो डॉग, अगर नहीं प्रेग्नेंट होगी तो उतना ही रहेगा। आप ये मत सोचिए मेरी डॉग तो प्रेग्नेंट नहीं है, क्या होगा। कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो 20-25 दिन ना लेके 30-32 दिन 35 दिन लेती हैं डॉग, और इनका फिर धीरे धीरे ये पोर्शन हल्का हल्का, ये जो इनका निप्पल है, अभी मैं इसको देखिए ऐसे कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रही है, ये देने वाली है बेबी, इसको अभी दिक्कत हो रहा है इनका। ये देखिए ये चीज़ देखिए, ये इतना फूला हुआ है क्योंकि ये स्मॉल ब्रीड डॉग है, तो इनका ये निप्पल नहीं बड़ा होता है, इनका ये साइड का बड़ा होता है जल्दी जल्दी, क्योंकि जो दूध होता है ये साइड साइड में मतलब भरने लगता है। और जो बड़ी ब्रीड डॉग होती है उनका ये निप्पल भी बड़ा होता है और ये भी फूलता है, इनका ये नहीं होगा। उनका यूट्यूब चैनल पर स्मॉल डॉग का वीडियो बहुत ही कम है, इनकी चुनी वीडियो है तो एक दो मैं बता रहा हूँ, आप सर्च मार के देख लीजिएगा एक दो वीडियो, और उनपे भी उनमें भी फुल डिटेल कोई नहीं दिया है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर फुल डिटेल कॉमेडियन डॉग स्मॉल ब्रीड डॉग, आप सर्च मारिएगा मेरी वीडियो आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। यूट्यूब पूरे यूट्यूब पे स्मॉल ब्रीड डॉग की वीडियो नहीं है, और है भी तो जब मतलब बच्चा देती है तब की है, और वो पूरा बात भी नहीं बताए हैं कैसे क्या होता है, कैसे पता करें कुछ नहीं। बीच में फ्रेंड्स इनका बिहेवियर मीटिंग कराने के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, ये जो इनका इनके ओनर रहेंगे ये ज़्यादातर उनके पास रहना पसंद करेंगे ज़्यादातर, और फिर धीरे 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 कुछ दिन में इनका जो मतलब बिहेवियर होता है वो चेंज होते जाता है। जब टाइम होने वाला रहता है तो ये थोड़ा और मतलब सुस्त टाइप हो जाती है, लेजी टाइप में,
बात का ध्यान रखिए, इन्हें घुमाना जरूर है। ए, बैठो, सिट, सिट। इन्हें वॉक पे जरूर ले जाना है, सुबह शाम दोनों टाइम। बिना वॉक पे ले जाए जब ये बच्चा देगी तो इसे दिक्कत हो सकता है। आओ यहाँ आओ, बैठो बैठो, दिक्कत हो सकता है, इसकी वजह से आपको भी बहुत ही प्रॉब्लम होगा। सोचेंगे जिनके आप तो एक्सरे करा सकते हैं, एक्सरे कराना भी जरूरी होता है, मालूम हो सके कितना बेबी है। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, मतलब एक्साइटेड है कि कितना है, तो कैसे मालूम चले। और मतलब डॉग शॉप आपके दुकान से बहुत दूर है, डॉक्टर नहीं है आपके मतलब घर से, तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। तो क्या थोड़ा दिन वेट करेंगे तो खुद ही मालूम चल जाएगा। इसको अभी 55 डेज हो रहा है। और इनका डाइट प्लान मैं बता दूँ तो उस दिन मतलब ब्रीडिंग कराने के बाद 10-15 दिन वही आपको खाना देना है। 20 दिन तक तो आपको वही खाना देना है, 20 से 25 दिन मतलब हफ्ते में एक हफ्ते में 3 दिन इन्हें दही दे, दही पेडिग्री और एक एग बॉईल करके, ये 3 चीज़ इन्हें दें। हफ्ते में 3 दिन देना है, डेली नहीं देना है कि ताकि आप सोचेंगे मैं डेली दूंगा तो ये ज़्यादा हेल्दी होगी, ऐसा नहीं, तो फिर आपको ही नुकसान झेलना पड़ सकता है, बहुत आपको परेशानी हो जाएगी। और फिर 20 से 25 दिन फिर उसके बाद इन्हें देना है। आप इन्हें दूध तो बिल्कुल, दूध जरूरी है बहुत, ताकि तभी माँ के पेट में दूध होगा तभी ना बच्चे दूध ले पी पाएंगे। दूध इन्हें देना है जरूर, दूध पिएंगे ये आप बैठो। और फ्रेंड्स, अगर आप कहीं ऐसे विलेज एरिया में रहते हैं तो आप उनके गले में ये ब्लैक धागा जरूर बांध दें, नहीं तो अगल बगल के देखते हैं प्रेग्नेंट है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तो ये बांध दिया हूँ, सबकी नज़र भी लग सकती है, इसलिए मैं तो भाई डरता हूँ, इसलिए बांध दिया हूँ। आप भी बांध सकते हैं। और फिर 20 से 25 दिन उसके बाद हमें देना है। आप इन्हें 25 से 30 दिन तक वो देख सकते हैं, 25 से 30 दिन जो रहेगा 5 दिन, उसमें आप इन्हें हल्का हल्का चिकन दें, चिकन बॉईल करके पेडिग्री के साथ, और दूध तो ज़रूर देना है। फिर इनको इनका खाना फ्रेंड्स 3 टाइम के जगह बीच में 2 टाइम कर दें, 35 दिन तक 2 टाइम कर दें। फिर इनको 35 से 45 दिन तक भूख इनकी बढ़ जाती है, ज़्यादा इनको भूख लगता है। फिर उसके बाद आप इनका खाना 3 टाइम फिर कर दें। फिर उसके बाद फिर 55 से 62 डेज में ये फिर थोड़ा इनका खाना कम कर दें, ऐसे ही करना है। फिर आपको देना है फ्रेंड्स 55 से 62 डेज में पप्पी स्टार्टर पप्पी देना है, रॉयल कैनिन या पेडिग्री का। आप इन्हें चिकन का कैल्शियम बोन भी दे सकते हैं, मैं तो इसको देता हूँ, और इसको पेडिग्री देता हूँ स्टार्टर पप्पी का। अगर और कोई फ्रेंड्स आपको डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तो मेरा नंबर रहता ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा क्या क्या मैंने हर एक चीज़ बताया वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता ही है, आप वहाँ से जाके मेरे मतलब आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कुछ भी पूछने के लिए।